आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए कि प्रभु ने हमें संभाल के रखा और हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया। परमेश्वर भला है, सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 62 उसका 8 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातों को खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमेन। सच में हमें हर एक बात के लिए उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि मनुष्य में भरोसा रखने से हम हमेशा लज्जित होते हैं, पर परमेश्वर पर अगर हम अपने मनों की बात खोल कर कहें तो सच में वो हमारा शरण स्थान है। वो हमें हर एक बातों से, बुरी बातों से, बुरी युक्तियों से बचाता है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन भर हमें संभाला प्रभु, और हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया परमेश्वर पिता, और ये समय हमारे जीवन में दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आज दिन भर की दुर्घटनाओं से परमेश्वर आपने हमें प्रोटेक्ट किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को आपके ऊपर स्थिति में रखते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी आप महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आप अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु जी। आप एल सदाई एडोनाई हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अगापे प्रेम के लिए। आप हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम हर एक को तेरी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु जी। आप हर एक की सुधि ले प्रभु, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तक प्रभु, हम सब को तेरी उपस्थिति में रखते हैं परमेश्वर पिता। विशेष का प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग अपने मन की बातें प्रभु जी तुझसे खोल कर कहते हैं परमेश्वर पिता, अपने मनों की बात तेरे सम्मुख रखते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जी वो किसी से भी ये बात नहीं कह पाते, पर प्रभु जी हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके प्रभु मनों में प्रभु जी जो बातें हैं परमेश्वर, और वो चाहते हैं प्रभु कि आप उनके लिए वो पूरा करें। यीशु मसीह आप हर एक के मनोरथों को पूरा करें। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे शरण स्थान हैं परमेश्वर। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक उस बच्चे के लिए परमेश्वर पिता, जो पिता परमेश्वर पढ़ाई कर रहा है पिता परमेश्वर, और बहुत सारे बच्चे प्रभु पढ़ाई से डरते हैं परमेश्वर पिता, आप उनके डरों को दूर करें प्रभु, और पिता उनकी मन की इच्छाओं को पिता परमेश्वर आप पूरी करें प्रभु जी। पिता आप उन्हें पढ़ने में अपनी ज्ञान बुद्धि समझ को दे परमेश्वर पिता, और उन्हें अव्वल करें प्रभु। संसार की गलत बातों से प्रभु जी आप बच्चों को प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु, जो फॉरेन जाने के लिए प्रभु अपना वीजा बना रहे हैं पिता परमेश्वर। बहुत से लोगों का प्रभु वीजा पेंडिंग पे है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन जो पेंडिंग प्रोसेस है यीशु मसीह, वो जल्द से जल्द प्रभु उनके लिए उनका वीजा तैयार करने में आप उनकी सहायता करें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो आपके नाम की महिमा करें, उनके मन की बातों को आप उनके लिए पूरा करें प्रभु यीशु, ताकि वो आपके नाम की बड़ाई करे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन जो प्रभु इस देश से प्रभु फॉरेन जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे खुदावन आप उनके लिए भी प्रभु एक अच्छी योजनाओं को तैयार करें प्रभु। आप उनके मन के विचारों को उनके लिए पूरा करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं हर एक के परिवार के लिए प्यारे प्रभु, कि हर एक के परिवार के मनोरथों को, उनकी मन चाही बातों को आप उनके लिए पूरा करें प्रभु। हर एक के परिवार को तेरे नाम से हम आशीष देते हैं प्रभु। प्रभु जो लोग प्रभु अपनी शादी के लिए चिंतित हैं, यीशु मसीह आप उनकी शादी को राइट समय पे करने में मदद करें प्रभु। जो फ्रस्ट्रेट है प्रभु आज के दिन में, उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन से आप बाहर निकाले प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर आज प्रभु अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी परमेश्वर पिता चंगा करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन यदि किसी को कैंसर की बीमारी है प्रभु, थायराइड की बीमारी है, और किसी भी प्रकार की बीमारी है परमेश्वर,
यीशु मसीह नासरी के नाम से हम हर एक बीमारी को पिता डांट कर आज्ञा देते हैं कि हर एक के शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु जो बीमार लोग हैं तेरे नाम से चंगे होने पाए प्रभु, क्योंकि आप उनके शरण स्थान है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग प्रभु जी अपने मन में प्रभु जी आपको बोल आपको पुकारते हैं प्रभु, और आपसे अपने मन की बातों को कहते हैं प्रभु, आप उनकी मन की बातों को पूरा करें प्रभु जी। जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, आप उनके मनोरथों को भी पूरा करें परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन की प्रभु आप सुधि लें परमेश्वर पिता। आज के प्रभु इस फास्ट लाइफ में परमेश्वर पिता आप लोगों को प्रभु जी अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दें परमेश्वर पिता। आप हर एक को दुर्घटना से बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पारिवारिक झगड़ों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह, आप झगड़ों से प्रभु लोगों के परिवारों को बचाएं प्रभु। आप प्रभु मनमुटाव से एक दूसरे को बचाएं प्रभु। आप गड़बड़ियों से आप एक दूसरे के परिवार को बचाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।